नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। जनपद चंदौली के पीडीडी उनगर स्थित राम लक्ष्मी लान में गुरुवार को पीडीए व्यापार जन पंचायत के कार्यक्रम आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में व्यापारी बंधु, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में चंदौली लोकसभा के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह, विशिष्ट अतिथि सकलडीहा सपा विधायक प्रभु नारायण यादव ने कार्यकर्ताओं से सपा प्रत्याशी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाने की अपील करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की। देखिए, अभी सपा के द्वारा आपको प्रत्याशी तो घोषित कर दिया गया है और पिछले बार भी ऐसा हुआ था कि लड़ाई टक्कर की थी, क्या लगता है कि जिस जो कमी रह गई थी इस बार क्या होगा? देखिए, हर व्यक्ति को हमेशा अपनी पुरानी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। हम लोग समीक्षा किए हैं कि हम कहां कहां चूके और उस समीक्षा करके जो जहां जहां चूके थे उसको मजबूत करेंगे। कार्यकर्ताओं से मिल करके हम सब जो है भारी मतों से हम विजय हासिल करेंगे। किन मुद्दों को लेकर इस बार लोकसभा में आप लोग? मुद्दे तो बहुत हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो नौजवानों की बेरोजगारी का है, उससे बड़ा मुद्दा संविधान को बदलने का है कि जो ये लोग संविधान बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बड़ा मुद्दा व्यापारियों और गरीबों के पास अब जो है कि उनके उत्पीड़न का है। अब आम आदमी के पास पैसा नहीं रह गया है, ये नोटबंदी का खामियाजा उसका असर आज व्यापार पे पड़ रहा है। तो ये सारे मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे हैं, गरीब के मुद्दे हैं और सबसे बड़ी चीज़ है भारतीय जनता पार्टी के झूठ के मुद्दे हैं और ये बेनकाब हो चुके हैं और जनता अब इनकी बातों पे नहीं आएंगी। उन मुद्दों के साथ हम सब जो है मैदान में कूदे हैं और पीडीए गठबंधन और इंडिया के साथ मिलकर के इस चुनाव को फतह करेंगे।